Hello friends, I am Kishan Barai from Barai Overseas and welcome to the part 2 video of our advance payment series. तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम स्टार्टअप्स एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिससे हमको एडवांस पेमेंट मिले. सो वी हैव टू सेट दैट इकोसिस्टम सो दैट वी कैन गेट एन एडवांस. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. देखिए दोस्तों, एडवांस पेमेंट लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोई फैक्टर होता है तो वो है ट्रस्ट फैक्टर. बायर को आपके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए तभी जाके वो आपको एडवांस दे पाएगा या एडवांस देगा. अब ये ट्रस्ट कैसे बढ़ाएं? हम स्टार्टअप्स हैं, राइट? मान के चलते हैं हमारे पास अभी कुछ बेस नहीं है, राइट? तो ट्रस्ट फैक्टर को बढ़ाने के लिए आपको अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, राइट? नाउ आई डोंट मीन टू से ओनली ऑनलाइन प्रेजेंस. ट्रस्ट फैक्टर सबसे ज्यादा बढ़ता है ऑफलाइन प्रेजेंस से. यस, ऑफलाइन प्रेजेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर ऑनलाइन प्रेजेंस. ऑफलाइन प्रेजेंस आपका होगा प्लस ऑनलाइन प्रेजेंस है, देन ट्रस्ट यू विल बी गेनिंग लाइक दैट. अब ये मैं आपको एग्जांपल पूरा बताता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा. प्लस इसमें आपका प्रोडक्ट्स की भी अवेबिलिटी, पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है, उसका भी प्लेसमेंट का एक बड़ा रोल है. चलिए दोस्तों, ये ट्रस्ट फैक्टर को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं. हम बात करते हैं ट्रस्ट फैक्टर की. तो ये लोकल कंज्यूमर है, ये लोकल शॉप ओनर है और ये सप्लायर है, राइट? तो पहले इनका हम केस देखते हैं. तो नॉर्मली लोकली जब ट्रेड होता है तो सप्लायर से गुड्स लोकल शॉप ओनर लेता है. अब ये शॉप ओनर कुड बी, मान लीजिए मोबाइल शॉप ओनर है या फिर ज्वेलरी का शॉप ओनर है या और कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कपड़े का दुकान है या ग्रोसरी वगैरह वगैरह, ठीक है? अब ये लोकल शॉप ओनर्स है, राइट? ये मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं? तो नॉर्मली उनका दुकान में एक बोर्ड होता है, बैनर होता है, राइट? या वो आसपास में स्टैंडी रखते हैं, जो भी है. तो लोकल कंज्यूमर जो भी उनसे आसपास बाईपास होते हैं या फिर पेपर एड देखते हैं, जो भी देखते हैं, तो लोकल कंज्यूमर जो है वो लोकल शॉप ओनर से लेने का पहला प्रायोरिटी रखते हैं. आप अपना खुद का ही यहाँ पर अपने माइंडसेट रखिएगा कि आप अगर लोकल कंज्यूमर हैं, राइट, और आपको अगर कुछ प्रोडक्ट्स लेना है और अगर लोकली आपको मिल रहा है प्रोडक्ट्स, राइट, तो आपका लोकल प्रेफरेंस ज़्यादा होगा. अब ये लोकल कंज्यूमर कब ऑनलाइन जाता है, कब आपको फील होता है कि यू वॉन्ट टू गो ऑनलाइन? जब आपको ऑनलाइन ज़्यादा सस्ता मिलता हो, जब आपको ऑनलाइन में ज़्यादा वेराइटीज मिलती हो, राइट, तब जब है लोकल कंज्यूमर जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होता है. अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर जो लोकल शॉप ओनर है, राइट, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं. नॉर्मल जो लोकल शॉप ओनर्स हैं वो ऑनलाइन बिजनेस का विरोध करते हैं, राइट, कि ये सब ऑनलाइन बेकार है, राइट, उसमें खराब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये है वो है. अब जबकि लोकल कंज्यूमर को ऐसा ही नहीं है, राइट, कि केवल उनको प्रोडक्ट्स सस्ता चाहिए, लेकिन उनका एक और कन्वीनियंसी हो सकता है, होता है कि उसको घर बैठे बैठे प्रोडक्ट चाहिए, राइट? तो अभी वो क्या करता है, राइट, वो किसी रेप्यूटेड ई कॉमर्स की वेबसाइट में ऑर्डर देता है, राइट? जब वो लोकल शॉप ओनर से किसी कारणवश सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे उनको घर बैठे बैठे डिलीवरी नहीं मिल रहा हो, प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो या प्रोडक्ट उसको चाहिए ऐसा नहीं मिल रहा हो, तो ये क्या करेगा, ये कोई दूसरी जगह से लेगा प्रोडक्ट्स, राइट, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, राइट? यहाँ पर हम एग्जांपल लिख सकते हैं www. जैसे फॉर एग्जांपल amazon.in, ठीक है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये लोकल शॉप ओनर है, राइट, ये लोकल शॉप ओनर का यहाँ पर जो बिजनेस है वो कम होता दिख रहा है. लेकिन अब इसमें क्या है, लोकल शॉप ओनर इज डूइंग अ मिस्टेक, राइट? अगर लोकल शॉप ओनर यहाँ का अपना खुद का एक वेबसाइट बना देता है जो अमेजोन जैसा है, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए www. जो भी है उसका krishnastore.com, राइट, और ये सर्विसेज देता है केवल लिमिटेड लोगों के लिए, अपने एरिया के लिए, राइट, तो ये क्या है, ये लोकल कंज्यूमर को अब मिल रहा है, उसको भी अब कृष्णा स्टोर का ऐप मिल रहा है, उसको ये लोकल कस्टमर कंज्यूमर
लोकल शॉप ओनर को ज्यादा जानते हैं, क्योंकि अमेजोन में क्या है पता नहीं है, ठीक है अमेजोन का अच्छा नाम है लेकिन इसमें पता नहीं, दिल्ली के भी वेंडर हैं राइट, दूसरे स्टेट के भी वेंडर हैं, यूपी के भी वेंडर हैं राइट, प्रोडक्ट्स वो देने में मे बी 5 दिन लगा देंगे, जबकि कृष्णा स्टोर का जो है वेबसाइट वो उसको 1 दिन में डिलीवरी दे सकता है या कुछ घंटे में डिलीवरी दे सकता है। अगर ये कृष्णा स्टोर ऑनलाइन हो जाता है राइट, तो कृष्णा स्टोर और वेराइटीज रख सकता है राइट, उसे और सप्लायर से गुड सस्ता मिलेगा तो और अपने एरिया में ज्यादा दे सकता है। आई मीन टू से कि लोकल कंज्यूमर को ज्यादा ट्रस्ट सबसे पहले नियरनेस वाले लोगों पे ज्यादा आएगा, चाहे जितने बड़े दिग्गज भी क्यों ना हो राइट, अगर उनको अच्छा ऑप्शन नियरनेस से मिलता है जो सेम फैसिलिटी दे पाए, तो लोकल कंज्यूमर विल प्रिफर मोर कृष्णा स्टोर राइट, अगर कृष्णा स्टोर इनकी डिमांड जो चाहिए वो पूरी कर देता है राइट, तो एटलीस्ट वो कैटेगरी के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृष्णा स्टोर सब बेचे, लेकिन एटलीस्ट वो कैटेगरी राइट, जो कपड़ा है या देर आर गारमेंट स्टोर्स या जो भी स्टोर्स ग्रोसरी है राइट, ये फुलफिल कर सकता है तो लोकल कस्टमर को ज्यादा फायदा यहां से है परचेज में। लेकिन बिग प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन ऑनलाइन ही नहीं होता, जबकि ये ऑनलाइन का विरोध करता है, ये विरोध करता है अमेजोन का, ये विरोध करता है ऑनलाइन सिस्टम का, ये सिर्फ अमेजोन का ही विरोध नहीं, ये ऑनलाइन सिस्टम का ही विरोध करता है, तो क्या होता है, ये हमेशा अपना कस्टमर कंज्यूमर खो देता है, बिकॉज कंज्यूमर वॉन्ट्स ऑनलाइन, उसको उनकी कन्वीनियंस ही चाहिए राइट, तो ये फ्यूचर में भी कभी ऑनलाइन आएगा तो लोग उनके ऊपर हंसेंगे। तो बड़ा मिस्टेक हम क्या कर रहे हैं राइट, ई कॉमर्स को आप क्रिटिसाइज, आप ई कॉमर्स को क्रिटिसाइज करना बंद करिए राइट, क्योंकि पता नहीं कल आपको ई कॉमर्स में आना पड़े राइट, अब श्यामा स्टोर ऑनलाइन आएगा तो कृष्णा स्टोर भी बनना पड़ेगा राइट, आपके बाजू वाला करेगा तो आपको भी करना पड़ेगा। तो जस्ट आई मीन टू से दैट लोकल कंज्यूमर्स ऑलवेज लव लोकल पीपल नियर टू देयर एरिया इफ दे आर प्रोवाइडिंग द सिमिलर सर्विसेज राइट, और ऐसा काफी लोगों ने किया हुआ है और लोगों को सक्सेस मिला हुआ है। तो ट्रस्ट फैक्टर या कब कब ज्यादा बढ़ता है, जब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नियर हो, उनके पास हो, लोगों का आना जाना हो राइट, तब उनकी ट्रस्ट फैक्टर बढ़ती है। अब हमारा ई कॉमर्स में हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर क्यों नहीं बढ़ पाता, क्योंकि यहां पर हम उनसे बहुत दूर हैं राइट, हम मान लीजिए कि यहाँ से सप्लायर से गुड्स ले रहे हैं, वी आर वेरी फार, हमारा ओवरसीज कंज्यूमर बहुत फार है, तो वो भी ढूंढेगा अगर उसको छोटा मोटा प्रोडक्ट्स चाहिए, भले थोड़ा महंगा मिले लेकिन उसको नियर से मिल जाए, पास से मिल जाए राइट, तो वो और ज़्यादा खुश हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन रियली बिल्ड द ट्रस्ट फैक्टर सो दैट कि वो हमारा वेबसाइट है राइट, उससे प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आए। तो एक्चुअली वी नीड टू हैव द फैसिलिटेटर्स राइट, अब यहां पर जो है, चलिए इसको मैं थोड़ा ब्लू में कर देता हूं राइट, अब ये आपके हो जाते हैं फैसिलिटेटर्स। अब ये समझना एक क्या चीज है, ये फैसिलिटेटर जो है राइट, ये आप मान के चलिए कि एक वेयरहाउस है, जैसे आप Amazon FBA, Fulfilled by Amazon। तो यहां पर आपको Amazon क्या सजेस्ट करता है या बड़े e-commerce प्लेटफॉर्म क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ये डायरेक्ट का रहने दीजिए, ठीक है डायरेक्ट का आपको डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि आपको आपके ऊपर अभी कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है। तो वॉट यू नीड टू डू राइट, आप सप्लायर से गुड्स लीजिए, आप सप्लायर से गुड्स लीजिए और आप जो गुड्स है वो हमको दीजिए राइट, फैसिलिटेटर को, और ओवरसीज कस्टमर जो है वो इनके प्लेटफॉर्म से राइट प्रोडक्ट्स बाय करें तो उनको ज्यादा ट्रस्ट आएगा। और यहां पर भी हम एग्जांपल लिख देते हैं, दैट इज www, यहां पर भी हम एग्जांपल लिख देते हैं, दैट इज amazon.com राइट, amazon.com। सो ये amazon.com है राइट, ये एक प्रकार का आपको वेयरहाउस फैसिलिटी देता है जिसको हम कहते हैं FBA, दैट इज फुलफिल्ड बाय Amazon, ठीक है। तो यहां पर ये Amazon वेयरहाउस में गुड्स रहेगा, तो ओवरसीज कस्टमर जब amazon.com से खरीदेगा तो
तो उनको बताएगा कि डिलीवरी 24 आवर्स में मिल सकता है या 48 आवर्स में मिल सकता है तुरंत, राइट। और यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट उसको सेल करने जाओगे, राइट, डायरेक्ट, तो डिलीवरी टाइम जो है वो आपका 5 दिन 10 दिन भी लग सकता है। तो वो यहाँ पर कंज्यूमर को फटाफट गुड्स चाहिए, ट्रस्टेड सोर्स से चाहिए, तो उनके लिए amazon.com एक बेहतर ऑप्शन है। अब दोस्तों बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है, राइट, जहाँ पर आप, मैं कहता हूँ कि आपको अपना ओवरसीज सेटअप करना चाहिए, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, राइट। सो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स करते हैं, क्रेडिट में करते हैं दुबई जैसे कंट्री में, राइट। तो यहाँ पर बड़ा बेस्ट ऑप्शन ये होता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये फैसिलिटेटर खुद बन जाते हैं, राइट। यानी कि ये जो है ये एक सर्टन प्रोडक्ट्स है जहाँ पर आप अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ओवरसीज सेटअप करते हैं। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सेगमेंट है, तो उसमें लोग अपना ओवरसीज खुद सेटअप करते हैं, ओवरसीज सेटअप, राइट, यानी कि फॉरेन सेटअप। इससे क्या होता है, फॉरेन कंज्यूमर को ट्रस्ट बिल्डअप होता है, यहाँ पर आपका खुद का सेटअप है और यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स बेचते हो, और जब यहाँ पर आपका जब सेल होता है, राइट, देन हियर यू गेट दी बेनिफिट ऑफ सेफ पेमेंट और एडवांस पेमेंट, ठीक है, बिकॉज द ओवरसीज कंज्यूमर, राइट, आर पेइंग यू वेल, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है। लेकिन यहाँ पर अगर आपका सेटअप नहीं है फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्रोडक्ट्स में, तो प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर आपको एक अननोन बायर के साथ वर्क करना पड़ता है, राइट, एक अनसेफ पेमेंट टर्म्स में, या फिर भले सेफ वाली पेमेंट टर्म्स है लेकिन क्रेडिट में आपको गुड्स देना पड़ता है, ठीक है, इनिशियल स्टेज के लिए अगर आपके पास फंड्स है। लेकिन आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए, खास करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स खेती बाड़ी जो किसानों को हेल्प करना चाहते, कर भी रहे हैं अच्छा काम, उसका ओवरसीज सेटअप चाहिए, यहां पर प्रेजेंस चाहिए, ताकि क्या है, ओवरसीज कंज्यूमर को आप ट्रस्ट दिला पाए और वो आपसे गुड्स ले पाए। प्लस ओवरसीज सेटअप का फायदा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो इंपोर्ट करने में इतने फ्रेंडली नहीं है, राइट। तो अगर आप ये प्लेटफॉर्म दे देते हो, जैसे अमेजोन FBA, राइट, कर रहा है, इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म बना लेते हो, राइट, तो ये आपके लिए और भी बेहतर है। अब इसमें कुछ लोग गलती कर देते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, अब जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, राइट, देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट वेयर वुड बी योर पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग एन वेबसाइट। अब जैसे इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, राइट, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर मार्केट। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने यूरोप में एक सेट किया है काम, ठीक है। अब यूरोप में आपका कोई फ्रेंड है, रिलेटिव है, और वो ओवरसीज में है, चलो सेटअप निकाल देते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए सेटअप भी अभी थोड़ा मुश्किल है, राइट, तो लेट मी कीप ओनली ओवरसीज, इसको मैं हटा देता हूँ सेटअप। मे बी आपका एक फ्रेंड है, रिलेटिव है, जो आपके साथ हेल्प करना चाहता है, वो भी ग्रो होना चाहता है, लेकिन अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो फॉरेन कंपनी बना सके, राइट, वो वहां पर पढ़ रहा है लेकिन आपको हेल्प कर सकता है पढ़ाई के साथ साथ। तो आपको करना ये चाहिए कि यू नीड टू हैव एन ओवरसीज डोमेन, राइट, जहां पर वो आपका ओवरसीज फ्रेंड या आपका फैमिली, ये ओवरसीज आपका फ्रेंड है, वो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, राइट, ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब ओवरसीज फ्रेंड, राइट, आपका उसका जो एड्रेस है, जो भी उसका डिटेल्स है, वो आप लिस्ट करिए www. आपका वेबसाइट बनेगा, मान लीजिए आपका लेस्टर में आपका फ्रेंड ले रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी आपका वेबसाइट है आप बना सकते हैं, तो .com मिले तो वेल एंड गुड, बाकी रखिए पीछे .uk, ठीक है, मतलब उसकी कंट्री का जो डोमेन है वो। तो ओवरसीज कस्टमर जब ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट आपकी देखेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट जहां पर आपका ओवरसीज फ्रेंड है, रिलेटिव है, राइट, वो ओवरसीज कस्टमर को सपोर्ट देते हैं, हालांकि ये वेबसाइट का मेंटेनेंस आप ही करोगे, राइट, उसको कोई और जरूरत नहीं है, ही कैन डू हिज जॉब और ही कैन डू हिज वर्क, लेकिन राइट, जब कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या कुछ भी जरूरत पड़ती है, तो उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स या कम्युनिकेशन, राइट, हालांकि B2C में इतना ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत, राइट, ही कैन डू इट चैट और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये चीज जो है, हाउएवर,
दिस थिंग्स वुड बी मेंटेन्ड बाय यू ओनली, ठीक है, मेनली, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पर रखा सो दैट ओवरसीज कंज्यूमर कैन विजिट दैट यूके डोमेन वेबसाइट वेर दे कैन फाइंड योर ओवरसीज फ्रेंड देयर एड्रेस, दे कैन कम्युनिकेट विद देम, तो आपकी प्रोडक्ट्स लेने में थोड़ा उनको ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा। फिर दोस्तों बात आती है रेट्स की, रेट्स जितना हो सके उतना कंपेटिटिव रखिए, दैट वुड बी एडवाइजेबल। डेफिनेटली योर वेबसाइट इज गोइंग टू क्रिएट एन ह्यूज इम्पैक्ट, राइट। वो मैं जो अब तक मैंने मेरा प्रोसेस किया है, वर्क किया हुआ है, राइट, मैं आपको बताऊंगा, राइट, इस वीडियो के एंड पार्ट में। सो वो आप देखिएगा और उसमें बहुत सारे चेंजेस अपडेट्स भी आप खुद कर सकते हो, मैं सारा आपको आगे बता रहा हूँ। Then you need to have free registration on B2B portal. Obviously, जब consumer आपका business online search करते हैं, कोई भी customer आपका business online search करते हैं, जितना ज़्यादा presence आएगा, जितना अच्छा reviews आएगा, right, उतना उसको trust होगा, right, खरीदने में, कि उनको लगेगा कि wow, ये लोग B2B भी करते हैं, right, they have got good even wholesaling business also. तो retailing में भी ये चीज़ काम आती है। Then your documentation should be very perfect, right? कुछ भी documentations में कमी नहीं होनी चाहिए, right? As a startup, mainly you need your उद्यम आधार, your GST code. उद्यम आधार और GST code आप free में से भी register कर सकते हैं, उसके YouTube में आपको काफ़ी videos मिल जाएंगे, right? और GST के returns file करना भी आपको easily आ जाएगा, it's not that difficult. फिर IEC code में केवल आपका 500 rupees का खर्चा है, AD code you need to get it from the bank, and basic registration fees, right? जहाँ पर आप portal में register कर रहे हैं, या पर शिपमेंट या उसका कमीशन वो आपको लग रहा है, राइट। सो इतने कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मोर ओवर इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स, लेकिन वो भी मैंने मेरे 1-20 वीडियो सीरीज में क्लियरली बताया हुआ है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रजिस्ट्रेशंस भी आपके ज़रूरी है, ताकि कोई आपको वेरीफाई कराए तो आपका प्रेजेंस प्रॉपर आए, राइट। देन यू नीड टू कीप ऑन अपडेटिंग द वीडियोज, राइट, देर शुड बी प्रॉपर वीडियोज एंड कंटेंट अपडेट। यू कैन क्रिएट योर यूट्यूब चैनल, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का अपडेट्स देते रहिए, सोशल मीडिया में अपडेट देते रहिए, हालांकि कंटेंट कैसे आप कंटेंट आइडियाज जनरेट कैसे करने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसके कुछ टूल्स मैं आपको लेटर ऑन वीडियोज में दूंगा, राइट, जो आपको यूजफुल रहेंगे। सो ये ऐसे बेसिक सी चीज है, राइट, जो एज ए स्टार्टअप आप ये कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि ये इनाफ नहीं है। अभी आप घर से बिजनेस कर रहे हो, छोटा बिजनेस कर रहे हो, फाइन, राइट, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, इट्स गुड, लेकिन माइंड में रखिए कि पहले बिजनेस आपको खड़ा करना है, फिर आपको बिजनेस बड़े स्केल पे ले जाना है, राइट। तो ये चीज़ जो है, मैं फ्यूचर में जो पॉइंट्स आपको करने हैं वो अभी से ध्यान में रखते रहिए, और जितना हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ करिए, ताकि आप और एडवांस पेमेंट के मॉड्यूल में मोड में आगे बढ़ पाओ। अब देखते हैं प्लॉट फॉर फ्यूचर। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जीबिशन में पार्ट कर सके, अगर आपके पास सफिशियंट फंड है एग्जीबिशन में पार्ट करने का, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि इससे लोगों का ट्रस्ट काफ़ी बिल्डअप होता है, बायर्स का, कंज्यूमर्स का। सेकंड, यू ऑफर योर डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूशनशिप, राइट। इससे क्या होता है कि जो भी आपके बायर्स है, राइट, अगर वो स्पेसिफिक डीलर्स बन जाते हैं, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप दे देते हो, एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हो, तो क्या है कि उस स्पेसिफिक लोकेशन में वो एक आपका फैसिलिटेटर बन जाएगा, राइट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको डीलरशिप बनाने में या डिस्ट्रीब्यूशनशिप बनाने में उससे कुछ फंड्स ज़्यादा लेना पड़े, राइट। यू कैन हैव योर स्मॉल फंड्स, राइट, डिपेंड ऑन योर कंपनीज कैपेबिलिटीज, राइट, लेकिन कोई अच्छा पर्सन है, राइट, यू कैन ऑफर देम, और ये आप अपने वेबसाइट में ये चीज़ रख सकते हो। सो इफ somebody are interested, they can fill up a form, और आप उसको एक्सेस करके अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। यू नीड टू कीप ऑन गेनिंग द प्रोडक्ट नॉलेज, राइट। जब आप एक छोटा बिजनेस शुरू करते हो, राइट, आपको ठीक है, आप एक लिमिटेड प्रोडक्ट नॉलेज से शुरू करते हो, फिर बिजनेस आपको सिखाता है, राइट। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पूरा सीख के बिजनेस करते हो फिर आगे कुछ सीखना नहीं होता, नो। इवन द बड़े बिजनेसमैन जैसे मुकेश अंबानी जी है, वो भी सीखते होंगे, राइट, अदानी भी सीखते होंगे, और भी लोग सीखते होंगे, जेफ बिजोस भी सीखता होगा, सीखते ही है, राइट। सो यू नीड टू कीप ऑन लर्निंग,
लर्निंग स्टॉप मत करिए, खास करके प्रोडक्ट नॉलेज, राइट, नॉलेज रिलेटेड टू योर बिजनेस, कीप ऑन गेनिंग दैट। और उसके लिए आप गूगल अलर्ट सेट कर सकते हो रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट्स, काफ़ी मैगजीन आप रीड कर सकते हो ऑनलाइन। और मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा है राइट छोटा, तो क्या उसको कोडिंग सिखाएं? मैं उनको ये कहता हूँ कि भैया पहले आप इसको गूगल सर्च करना सिखाओ, राइट। लोगों को गूगल सर्च करना ही नहीं आता, राइट, काफ़ी सारे लोगों को। सो बच्चों को गूगल सर्च करना सिखाओ, एक प्रॉपर डायरेक्शन दो, तो ऑटोमेटिकली वो कोडिंग भी सीख जाएंगे और मैथ्स भी सीख जाएंगे, राइट। देन यूएसपी, देखिए यूएसपी के लिए पहले सप्लायर से पूछना चाहिए जहाँ से आप प्रोडक्ट ले रहे हो कि सर आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। अगर यूएसपी समझ में नहीं आता उनको तो ऐसे पूछिए उनसे, सप्लायर से, कि सर आपसे कोई प्रोडक्ट क्यों ले रहा है या क्यों ले रहे हैं, आप दूसरों से या अपने कंपटीटर से कैसे डिफरेंट हैं, राइट, इस लैंग्वेज में पूछो। सो वो एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये बेहतर है, वो बेहतर है, वही आप अपने आगे के कस्टमर को एक्सप्लेन करें। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपका रियल यूनिक सेलिंग पॉइंट हो आएगा। अब नॉर्मली जब स्टार्टअप क्या करते हैं, स्टार्टअप उसका यूएसपी होता है लेकिन उनका यूएसपी उतना जेन्युइन नहीं होता। स्टार्टअप कुछ भी बोल देते हैं, नो वी आर रियली बेस्ट इन मार्केट, हम आपको बढ़िया देंगे, जिसका कुछ कॉन्फिडेंस लेवल है वो और भी अच्छा बोल देगा, राइट, कि हमारे प्रोडक्ट्स में ये है, हम अच्छी सर्विस देते हैं, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स नया है। हालांकि व्हेन यू कीप ऑन डूइंग द स्टफ, राइट, एंड यू कीप ऑन डूइंग द बिजनेस, योर यूनिक सेलिंग पॉइंट वुड बी क्रिएटेड। और फिर जो है आप बी टू बी में भी एडवांस पेमेंट ले सकते हो, राइट। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट की जो एग्री प्रोडक्ट्स में, जो पुराने हैं, राइट, या अदर प्रोडक्ट्स में, स्पाइसिस में, वो भी एडवांस में काम करते होंगे और करते ही है, राइट, लेकिन उनका एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उनका एक इतना अच्छा प्राइसिंग है, राइट, उनका इतना अच्छा क्वालिटी है, तो लोग देंगे उसको एडवांस, राइट। तो इसी तरीके से हमारा भी एक स्टेज ऐसा बनना चाहिए कि हम जो है बी टू बी में भी एडवांस पेमेंट ले सके, नॉट ओनली बी टू सी में हम रहे, हम एक बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं। एंड मेन थिंग, जैसे दोस्तों कहा, यू नीड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। आप ऐसे ही नहीं हमेशा घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं, राइट, आपको ठीक है अभी आप घर से कर रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का कोशिश करिए, राइट। फ्यूचर में जब भी आपके फंड्स आए, मैं देखता हूँ लोग कमाना शुरू करते हैं फिर वेस्टिंग ज़्यादा होता है, राइट, इससे बेहतर यह है कि यू कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस मोर एंड मोर, तो बिजनेस आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड देता रहेगा। तो ये चीज आपको मेनली ध्यान में रखनी है कि ये फ्यूचर में मुझे करना है, राइट, तो ये भी आप नोट्स रखिए, राइट, सो दैट यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ थिंकिंग, सो दैट यू कैन अप्लाई दैट इन फ्यूचर, राइट, एज अर्ली एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वेबसाइट, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अपनी दुकान, दोस्तों ये वास्तविकता में अपनी दुकान है, इसको कहते हैं अपनी डिजिटल दुकान, देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, baraimart.com है, राइट, मैंने न्यू जस्ट डोमेन अभी परचेस किया हुआ है, जस्ट फ्यू डेज बैक, राइट, और मैंने उस पर कुछ वर्क किया हुआ है, और जस्ट ऐसे टॉय मार्ट, राइट, जैसा बनाया है, राइट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या फीचर्स है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे चेंजेस अपने आप कर सकते हो, वो तो मैं आपको आगे सिखाऊंगा ही, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है, ये देखिए हमारे प्रोडक्ट्स है, हमने टॉयज के प्रोडक्ट्स रखे हैं, काफ़ी सारी डील्स वगैरह इन्फॉर्मेशन भी वेबसाइट्स में दी है, राइट, तो ये हम उनको ऑप्शन देंगे कि अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहो, राइट, देन ऑल्सो इट्स फाइन, और बेस्ट डील में ऑप्शन है कि आप हमारे वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। नाउ स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, पहले अबाउट पेज, होम पेज आपने देखा, नाउ लेट्स चेक द अबाउट पेज। अबाउट पेज उसमें जस्ट ये जिम के जो इक्विपमेंट्स है, राइट, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं, और ये पूरा डिजाइनिंग बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, और आप अपने तरीके से कलर फॉर्मेट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, राइट, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मेन जो हमारा पेज आता है शॉप का, राइट, पहले हम अमेजोन का पेज देखते हैं कि अगर अमेजोन से खरीदना चाहे, वेल एंड गुड, राइट, यहाँ पर वो अमेजोन से डायरेक्ट बाय नाउ क्लिक कर सकते हैं और अमेजोन का पेज जो है वो खुल जाएगा उनके प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक मेरा टैग लिंक किया गया है, baraiovc20, ये एक्चुअली मेरा अफिलिएट लिंक है, यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट है, राइट, आप मान के चलिए, और इसमें से भी अगर कोई बाय करेगा, राइट, तो नो डाउट मुझे प्रॉफिट तो मिलने ही वाला है, लेकिन अलग से 10% अमेजोन की तरफ से बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे वेबसाइट से बाय किया गया है, सो दैट इज वन अफिलिएट एडवांटेज,
डायरेक्ट को अमेजोन से राइट मेरा कंपनी सर्च करके या मेरा प्रोडक्ट सर्च करके भी बाय करता है, वो तो एडवांटेज है ही, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल एडवांटेज मिलता है बिकॉज ऑफ माई अफिलियट लिंक। सो ये कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा ये तो दोस्तों अफिलिएशन। और यहाँ ये चीज यहाँ पर डायरेक्ट परचेस राइट, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने लिखा है कि आप अपने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं एनीथिंग। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट, अब ये चीज में दोस्तों देखिए डायरेक्ट शॉपिंग आपका जो है पेज आ जाएगा, इट इज वेरी सिमिलर टू अदर ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ये मैं आपको बताता हूँ राइट, ये इंटरफेस आप देखिए जैसे दूसरे आप ई कॉमर्स वेबसाइट में देखते हैं, यू कैन सर्व दी फोटोज, यू कैन ऑल्सो कीप ऑन दी वीडियोज ओवर हियर राइट। यहाँ पर देखिए दोस्तों प्राइस $25 $26 जो अमेजोन में मिल रहा था उसे मैंने कम रखा, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं उसे कम में दे सकता हूँ आराम से राइट, क्योंकि मुझे अमेजोन में 35% कमीशन नहीं देना है, कुछ अमेजोन के चार्ज नहीं है, अगर डायरेक्ट मुझसे लेता है राइट, आई विल शिप टू देम एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट, आई एम गिविंग देम एन ऑप्शन राइट। एंड यहाँ पर आप देखिए डिस्क्रिप्शन भी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है राइट, और यहाँ पर मैं इसको विश लिस्ट में भी करता ऐड कर सकता हूँ, कार्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, देर आर ऑल्सो कैटेगरीज इन इट राइट, सो आई एम एडिंग दिस टू द कार्ट राइट। चलो ये कार्ट में ऐड कर दिया, अब जैसे ही मैंने कार्ट में ऐड कर दिया यू कैन सी एट द टॉप राइट, जैसे आप दूसरे ई कॉमर्स साइट में देख सकते हो कि प्रोडक्ट्स अपना कार्ट में चला गया राइट। लेट्स नाउ एक्सप्लोर द अनदर प्रोडक्ट राइट, ये चीज है राइट, एंड क्रिएटिव टॉय ओके, दिस आल्सो सीम्स टू बी फाइन। अब ये चीज भी अगर देखिए दोस्तों आपके प्रोडक्ट्स को नीचे लोग रिव्यू भी कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, और प्रोडक्ट का कोई चिंता नहीं राइट, आप जितना डालना है इतना डालो, पेज का कोई चिंता नहीं, जितने पेज डालना है उतने डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आई कैन ऐड टू द विश लिस्ट, लेट मी ऐड टू द विश लिस्ट राइट, सो दिस इज द विश लिस्ट राइट, आई हैव गॉट इट एंड दिस इज राइट, आई कैन व्यू द कार्ट एंड आई कैन चेक आउट। लेकिन अब मुझे ये प्रोडक्ट्स जो है राइट, दिस आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय राइट, सो मैं कभी भी विश लिस्ट में जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं कभी भी विश लिस्ट में जा सकता हूँ, आई कैन ऐड दैट टू द कार्ट एंड आप देख सकते दोस्तों कार्ट में 2 हो गया राइट, सो यहां पर मेरा टोटल भी आ जाएगा एंड आई कैन व्यू द कार्ट राइट। यहां पर आप देख सकते हो आई कैन ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी, ऐड और अपडेट माई कार्ड राइट, आई कैन हैव द कूपन, मैं कूपन भी दे सकता हूँ राइट, कूपन डालेंगे तो डिस्काउंट होगा जैसे दूसरे एप्स में आता है, कैन डू दैट वेरी इजिली दोस्तों, आगे मैं सब कुछ आपको सिखाऊंगा। एंड प्रोसीड टू चेक आउट राइट, चेकआउट क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसको अपना बिलिंग डिटेल्स देना है, पेमेंट गेटवे हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो भी आप डालना चाहे, और ये सीधा चेकआउट करके आपको डायरेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। सो हाउ सिंपल हाउ इजी इज दैट राइट, ये कोई भी कर सकता है राइट, कोई भी, और ये आप भी कर दोगे राइट, बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। और ये सारा जो है आपको लोगोज है राइट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, देयर इज ऑल्सो सर्च बार राइट, यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं राइट, ये आपके प्रोडक्ट्स के अनुसार, सो सर्च विल ऑल्सो वर्क। देयर इज ऑल्सो एन फिल्टर ऑप्शन राइट इन अवर शॉप राइट, जैसे आपको प्रोडक्ट्स पॉपुलैरिटी से चाहिए, हाई लो जैसे आपको होता है ना, प्राइसिंग लो टू हाई बताओ राइट, तो लो टू हाई बता देगा, आउट ऑफ स्टॉक हमने जैसे कर दिया तो उसको आउट ऑफ स्टॉक बता देगा, प्राइस फिल्टर करना है, मेरा रेंज जो है राइट वो $10 to $20 का है राइट, वो फिल्टर हमको बताओ, तो केवल $10 to $20 के ही प्रोडक्ट्स बताए जाएंगे। सो एवरी फिल्टर विच यू फाइंड इन ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारे इजीली इंटीग्रेट हो जाते हैं राइट। दिस इज एन अपडेट पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट, अपडेट पेज, यहाँ पर हम अपने ब्लॉग्स अपडेट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं जो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगा राइट। दिस इज द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन राइट, आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आएगी, दे कैन सेंड एन ईमेल, चैट भी यहाँ पर है राइट, मैं चैट ऐप ऑन कर दूंगा twag.to का, तो ये सीधा ऑन हो जाएगा राइट, और यहाँ पर जो है सारे डिटेल्स दिए गए हैं। और देखिए दोस्तों इसमें आप गूगल मैप्स भी नीचे डाल सकते हैं अपना गूगल मैप राइट, रजिस्टर करवा के, तो आपका और भी ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर दिया है, यानी कि वेबसाइट एकदम के बाजू में लॉक बताएगा और कनेक्शन इज सिक्योर्ड, यानी कि कोई अपना पासवर्ड डालता है क्रेडिट डेबिट कार्ड का या कुछ भी डिटेल डालता है तो वो हमको नहीं मिलेगा, वो एकदम सिक्योर्ड रहेगा जिसको गूगल भी अप्रूव करता है। तो जैसा लॉक अमेजोन या दूसरे ई कॉमर्स में साइट में हाईली सिक्योरिटी बताता है वैसा ही हमारा बताएगा, तो फॉरेन बायर या इंडियन बायर को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, जिससे कस्टमर को भी ट्रस्ट बढ़ जाएगा और गूगल भी आपका रैंकिंग में वेबसाइट आगे ही लाएगा। एंड मेनली राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि ऑल दिस स्टफ राइट
सारा का सारा चीज जो मैंने मेरा अब तक खर्चा हुआ है वो केवल 1500 रुपए का खर्चा हुआ है, राइट। सो होल दिस वेबसाइट रफली, राइट, 1500 रुपए का खर्चा हुआ है, कोई खर्चा ज्यादा है नहीं। आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट आराम से बना सकते हो जो ग्लोबल प्रोडक्ट सेल कर सके, इंडिया में भी चलेगा, फॉरेन में भी चलेगा, राइट। आप अपने नीड्स के अनुसार काम कर सकते हैं एंड डेफिनेटली दोस्तों ये आप इसमें काफी अच्छा स्केल अप कर सकते हैं। यू कैन हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शन। यहाँ पर पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे है अमेजोन है, ईबे है, राइट, वो आप बेच सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो सेल इट डायरेक्टली, राइट, फ्रॉम योर स्टोर एंड यू कैन अपडेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये जो है आगे मैं आपको सिखाऊंगा, राइट, दैट हाउ वी कैन क्रिएट दिस स्टफ और इसको भी हम आगे और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 ऑफ अवर एडवांस पेमेंट सीरीज। So finally, this is Kishan Barai and thank you very much. Have a nice day. Goodbye. Thank you.